हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही यम्मी और इजीली बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो मैं शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ मसाला सैंडविच की रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चिकन चीज़ सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन में 1/2 टेबल स्पून बटर, 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 पाउडर मसाला, और इसे अब मैं होने दूँगी क्रैकल। तो ये क्रैकल हो चुकी है 10-12 सेकंड में। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग 1 पिंच, साथ ही 4 से 5 करी लीव्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है वो ऐड किया, और अब एक स्मॉल साइज़ की अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था वो मैं कर रही हूँ ऐड, और इन सब चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छे से इसका कलर जो है चेंज हो जाए प्याज का और हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए बस ये हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक मिंस। जिंजर मैंने 1/2 इंच का टुकड़ा लिया था और 3 से 4 गार्लिक क्लव्स। तो ये भी सॉटे हो गया है 10 सेकंड। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड मसाले, टर्मरिक 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इन सब चीज़ों को भी फिर 10 सेकंड मैंने कर लिया सॉटे, और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो। मैंने एक स्मॉल साइज़ का टोमेटो लिया था, उसे चॉप कर लिया था, और साथ ही 2 टीस्पून वाटर। वाटर मैंने ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं, पाउडर मसाले। तो बस इसे सॉफ्ट कर लें अच्छे से, इतना पकाएं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भुन जाए। 2 मिनट हो चुका था, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, और अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के पोटैटो को बॉईल कर लिया था, उसे मैंने मैश करके इसमें ऐड किया है। इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें मसाले के साथ, और साथ ही यहाँ पे 200 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लें मिक्स। पहले मैंने मीडियम लो रखा हुआ है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, जिसे मैंने चॉप कर लिया था 2 से 3, अपने ज़्यादा आपको तीखा पसंद तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और साथ ही कोरिएंडर लीव्स। तो ये देखिए मसाला है बिल्कुल रेडी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। 50 ग्राम्स मैंने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके ले लिया है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो बस ये बिल्कुल रेडी है फिलिंग के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड लिया है, वाइट ब्रेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन भी कर सकते हैं। तो अब इन सारे मसालों को मैं ब्रेड पे थिक सा स्प्रेड कर लूँगी। आप इतने मसाले से 4 सैंडविच आसानी से बना सकते हैं। तो ये है बिल्कुल रेडी। तो चलिए आप इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने बटर ऐड कर लिया पैन में, और ये गर्म हो चुका है। तो अब मैं एक एक करके सारे सैंडविच को फ्राई कर लूँगी। एक साइड से बटर लगाने के बाद इसे पलट दें ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से बटर लग सके। और अब इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सिकने दें, बीच बीच में प्रेस कर दें ताकि अच्छे से सिक सके। 1 मिनट हो चुकी थी, तो आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, एकदम बढ़िया सा ब्राउन कलर हो चुका है, और दूसरी साइड से भी अब ये हो चुका होगा। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, और बाकी सारे सैंडविच को मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन चीज़ मसाला सैंडविच बन गया है रेडी। और ये आप देख सकते हैं कि ये देख के ही कितना ज़बरदस्त
स्पाइसी, चटपटा और चीज़ी सा लग रहा है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।